हेलो एवरीवन, हमारी आज की रीडिंग है द इनजेन्यूटी गैप। इनजेन्यूटी मीन्स क्लेवरनेस या स्किल से रिलेटेड। स्किलफुल, चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन टाइप्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन टाइप है कंप्लीट ईच सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ पे इनकम्प्लीट डेफिनेशंस दी है, हमें लाइंस पिक करके चूज़ करके इन्हें कंप्लीट करना है। इनकम्प्लीट लाइंस हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन टाइप इज़ एमसीक्यूज। एलिमिनेशन मेथड से हम एमसीक्यूज चूज़ करेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन टाइप इज़ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है द डेफिनेशन ऑफ इनजेन्यूटी। डेफिनेशन बतानी है तो फर्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। इनजेन्यूटी एज आई डिफाइन इट हेयर कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ आइडियाज फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक कंप्यूटर एंड ड्रॉट रेजिस्ट क्रॉप्स, बट मोर फंडामेंटली ऑफ आइडियाज फॉर बेटर इंस्टीट्यूशन एंड सोशल अरेंजमेंट्स लाइक एफिशिएंट मार्केट्स एंड कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट्स। इट मीन्स दैट इंजीनियरिटी जो है वो सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी के बेस पे नहीं है, सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं देती, बट मोस्ट ऑफ दी बट मेन जो कंसेप्ट है इंजीनियरिटी का वो है बेटर इंस्टीट्यूशन एंड सोशल अरेंजमेंट, जिसमें गवर्नमेंट एंड मार्केट्स इन्वॉल्व है। चलो ऑप्शन देखते हैं। ए है हमारा डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर इंक्लूडिंग क्लाइमेट। क्लाइमेट की कोई बात नहीं हुई तो एलिमिनेट हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट एंड सोल्यूशन डिस्प्यूट्स। मैनेजमेंट एंड सोल्यूशंस की भी बात नहीं है, एलिमिनेट। इज नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकल एडवांस बट मोर ऑफ इंस्टीट्यूशनल रेनोवेशन। इट्स नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकल, मतलब कंप्यूटर पे बेस्ड, कंप्यूटर सिर्फ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अदर इंस्टीट्यूशन लाइक इकोनॉमिक सोशल, ये हमने रीड किया था। तो इसका आंसर है फर्स्ट का सी। सो नेक्स्ट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंजेन्यूटी। सेकेंड पैराग्राफ, हाउ मच एंड वट काइंड ऑफ इंजेन्यूटी सोसाइटी रिक्वायर्स। रिक्वायर्स रिक्वायरमेंट आ गया। डिपेंड्स ऑन रेंज ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द सोसाइटी गोल्स एंड सर्कमस्टांसेस विद इन विच इट मस्ट अचीव दोज गोल्स। वेदर इट हैज़ अ यंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कुछ रिलेटेड है, और एजिंग वन, और अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, स्कार्सिटी ऑफ देम एंड ईजी क्लाइमेट। तीन चीज़ें हैं, क्या रिक्वायरमेंट है इंजीनियरिटी की, पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट फॉर पनिशिंग और पनिशिंग वन, वट एवर द केस में भी। तीन चीज़ें हमें, तीन फैक्टर हमें मिल गए जो इंपॉर्टेंट हैं इंजीनियरिटी के। फर्स्ट इज पॉपुलेशन, सेकेंड नेचुरल रिसोर्सेज, एंड अनदर इज ईजी क्लाइमेट। लेट्स फाइंड आउट। हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर इंक्लूडिंग क्लाइमेट। डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर मीन्स पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन और क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्लस इंक्लूडिंग क्लाइमेट। तो हमारे सेकेंड रिक्वायरमेंट फॉर इंजीनियरिटी का आंसर इज ए। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज द क्रिएशन ऑफ सोशल वेल्थ। लेट्स फाइंड आउट हाउ मच एंड वट काइंड ऑफ इंजीनियरिटी अ सोसाइटी सप्लाइज ऑल्सो डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। Understanding the rewards and economy gives procedure to useful in knowledge and the strength of political opposition to social and institutional reforms. इस पैरा में कुछ नहीं है। Now fourth read करते हैं। A good supply of the right kind of ingenuity is essential, but it is not of course enough by itself. We know that the creation of wealth, हमारा हो गया था creation of social wealth, तो हमें कीवर्ड मिल गया क्रिएशन ऑफ सोशल वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल डिपेंड्स नॉट ओनली एडिक्वेट सप्लाई ऑफ यूजफुल आइडिया बट ऑल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ अदर मोर कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक कैपिटल एंड लेबर। एंड लेट्स फाइंड आउट कि
क्रिएशन ऑफ सोशल वेल्थ इज़ नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द आइडियाज़ ऑफ सप्लाई यूजफुल एडिक्वेट सप्लाई ऑफ यूजफुल आइडियाज़, बट इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स लाइक कन्वेंशनल फैक्टर्स लाइक कैपिटल एंड लेबर. सो इसका आंसर लेट्स फाइंड आउट. ए हमारा हो गया बी डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट एंड सोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट. सोल्यूशन एंड डिस्प्यूट की बात नहीं हुई है. सी हो गया also depend upon availability of some traditional resources. traditional हो गया conventional. keyword match हो गया. answer भी बिल्कुल match हो गया कि creation of social wealth के लिए it's not only depend upon the ideas but traditional resources is also very important. so इसका answer is C का answer है D. now last is the stability of society. इसका answer आएगा B. अब हम इसकी लोकेशन फाइंड करते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी इसकी लोकेशन बिल्कुल उसी पैराग्राफ जो हमने लास्ट रीड किया है बिल्कुल उसके नीचे है. सिमिलरली प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी हमारा कीवर्ड आ गया. एंड जस्ट इज यूजली डिपेंड अपॉन द रीसोल्यूशन. रीसोल्यूशन मीन्स डिस्प्यूट्स ना होना और एटलीस्ट द कंटेमिनेट ऑफ मेजर पोलिटिकल स्ट्रगल्स ओवर वेल्थ एंड पावर. तो हमारा ये कीवर्ड बिल्कुल मैच हुए हैं. बिल्कुल आंसर मैच हुए हैं. डिपेंड्स अपॉन मैनेजमेंट एंड सोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट. तो हमारा द स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी का आंसर है बी. सोल्यूशंस दिए हैं. मैनेजमेंट सोल्यूशन डिपेंड करता है. ठीक है. गेट विद इन आवर इकोनॉमिक्स इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स लेबर एंड ग्रोथ इन द स्टॉक ऑफ फिजिकल प्लांट इज यूजली कंपनीड बाई ग्रोथ इन द स्टॉक ऑफ इंजीनियरिटी. एंड इन आवर पोलिटिकल सिस्टम मैनेजमेंट वी नीड ग्रेट इंजीनियरिटी टू सेट अप इंस्टीट्यूशन दैट सक्सेसफुली मैनेज स्ट्रगल ओवर वेल्थ एंड पावर. ये सारी लाइन इसको सपोर्ट कर रही हैं. क्लियरली आवर इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल प्रोसेस इनिशियली टैंगल्ड. इनटैंगल्ड मीन्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं. कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं विद द प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ इंजीनियरिटी. सो ये पूरा पैराग्राफ ये इस लाइन को सपोर्ट कर रहा है. सो हमारा कीवर्ड मिल गया. हमारे आंसर मिल गया और पूरी लाइन सपोर्ट हो गई. देन अब हमारा सेकंड क्वेश्चन टाइप इज एमसीक्यूज. हमारा पहला है व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द इंक्रीमेंटल चेंज ऑफ द लास्ट 100 ईयर्स. इसमें ये ले बोल रहा है कि ऑथर का क्या कहना है अबाउट इंक्रीमेंटल चेंज. इंक्रीमेंटल जो चेंज हुए हैं ओवर लाइक लास्ट 100 ईयर्स. 100 ईयर्स वो 100 ईयर्स नहीं लिखेंगे. कई बार सेंचुरी लिख देते हैं. कई बार डिकेट लिख देते हैं. ये आपको ध्यान में रखना है. चलो दैट्स फाइन. द पास्ट सेंचुरी. सेंचुरी आ गया. 100 ईयर्स इंक्रीमेंटल चेंज कीवर्ड आ गया. इन आवर सोसाइटी अराउंड द प्लैनेट इन आवर टेक्नोलॉजीज एंड आवर इंट्रैक्शन विद आवर सराउंडिंग नेचुरल इन्वायरमेंट हैव अकमुलेटेड टू क्रिएट अ क्वालिटी क्वालिटेटिवली न्यू वर्ल्ड. न्यू वर्ल्ड बिकॉज दीज चेंजेस हैव अकमुलेटेड स्लोली स्लोली. ठीक है. एंड इट्स ऑफन हार्ड अस टू रिकॉग्नाइज. ये जो चेंजेस हैं वो काफ़ी स्लो हैं तो काफ़ी इट्स वेरी हार्ड टू रिकॉग्नाइज. रिकॉग्नाइज करने में थोड़ी डिफिकल्टी है. हाउ प्रोफाउंड एंड स्वीपिंग दे हैव बीन. दे इंक्लूड फॉर फार लार्जर एंड डेंसर पॉपुलेशन मच हायर पर कैपिटा. आई थिंक हमारा आंसर यहीं से आएगा. लेट्स फाइंड आउट. इट हैज़ बिकम अ हॉट सोशलिस्ट डिस्कशन अमंग एनवायरमेंटलिस्ट. एनवायरमेंटलिस्ट की कोई बात नहीं है. लेट वेट पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. मच हायर कैपिटल रिसोर्सेज एंड फार बेटर एंड मोर वाइडली अवेलेबल टेक्नोलॉजीज फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल मटीरियल्स एंड स्पेशली इंफॉर्मेशन. यस हमारा आंसर यहीं से. इट्स सिग्निफिकेंस. Its significance is often not noticed. Yes, recognize or not notice. मतलब unnoticed. इसको hold पे रखो बाकी देखते हैं.
इट हैज़ रीशेप्ड द नेचुरल एनवायरनमेंट वी लिव इन. रीशेप की कोई बात नहीं है, एलिमिनेट हो गया. इट बेनिफिटेड अ मच लार्जर पॉपुलेशन देन एवर. ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि लार्जर पॉपुलेशन को बेनिफिट्स होंगे या कुछ, ये भी एलिमिनेट हो गया. तो हमारा आंसर इज इट्स सिग्निफिकेंस इज ऑफन नॉट नोटिस. उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो नोटिस नहीं की जाती, रिकोगनाइज नहीं होती, वो स्लोली चलते हैं इसलिए रिकोगनाइज नहीं किया जा सकती उसकी चेंजेस. नाउ द अदर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ चेंजेस हैज मेड लाइफ. द कॉम्बिनेशन ऑफ चेंजेस हैज मेड, कैसे जो चेंजेस हैं, जो कॉम्बिनेशन है चेंज के, वो उन्होंने लाइफ कैसी की है, ईजियर, फास्टर, स्लोअर या लेस सोफिस्टिकेटेड, ये हम पढ़ेंगे अब. इन कॉम्बिनेशन कीवर्ड आ गया. दीज चेंजेस हैव शार्पली इंक्रीज द डेंसिटी, शार्पली, ठीक है, स्पीड, फास्ट, कीवर्ड मैच कर सकते हो आप, सिनोनिम देख सकते हैं. इंटेंसिटी एंड पेस ऑफ अवर इंट्रैक्शन, पेस भी स्पीड से रिलेटेड है, ठीक है. ये जो चेंजेस है वो शार्पली क्या इंक्रीज करें, डेंसिटी, इंटेंसिटी एंड पेस ऑफ अवर इंट्रैक्शन विद ईच अदर. ये सारी चीज़ें जल्दी 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 ये सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं. दे हैव ग्रेटली इंक्रीज द बर्डन वी प्लेस ऑन अवर नेचुरल इन्वायरमेंट. दे हैव हेल्प शिफ्ट पावर फ्रॉम नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन टू इंडिविजुअल एंड सब ग्रुप्स सच एज पोलिटिकल, स्पेशल इंटरेस्ट एंड एथिकल फैक्शंस. चलो देखते हैं. ईजियर की कहीं बात नहीं हुई है, येस फास्टर. स्टार्टिंग में ही हमें बताया गया था ना कि वो फास्ट है लाइफ, इन चेंजेस के कारण वो किस किस चीज़ में उनका आ रहा है, इंटेंसिटी, डेंसिटी एंड पेस ऑफ इंट्रैक्शन में सारा कुछ बढ़ रहा है, फास्ट हो रही है चेंजेस. तो लाइफ कैसी हो रही है ये सारे कॉम्बिनेशन के साथ, फास्टर. तो हमारा आंसर इज बी. नाउ द थर्ड लास्ट इज हाउ डज द ऑथर से अबाउट द नेचुरल सिस्टम. ऑथर का क्या कहना है नेचुरल सिस्टम के बारे में, लेट्स फाइंड आउट. एज अ रिजल्ट People in walk of life from political business leader to all of us day to day cause complex urgent and often unpredictable circumstances. The management of our relationship with this new world require immense and ever increasing amount of social and technical ingenuity as we strive to maintain or increase our prosperity and improve the quality of our life. We must make far more sophisticated decision and in less time than ever before. When we enhance the performance of any system from our car to planet, network, fictional institution, we tend to make it more complex. Many of our natural system, yahan se aayega hamara answer. Critical to our well-being, like the global climate and ocean, and extraordinary complex to begin with. We often can't predict or manage the behavior of complex system, which much precise because they are often very sensitive to the smallest of changes and perturbation, and their behavior can flip from one mode to another suddenly and dramatically. तो हमारा आंसर यहाँ से आएगा. We often can't predict or manage the behavior of complex system. हम behavior और behavior या predict नहीं कर सकते. It's very behavior वगैरह नहीं हम predict कर सकते because they are very sensitive to the smallest change. ये बहुत sensitive होते हैं. Even smallest changes में भी स्मॉलेस्ट चेंजेस के लिए ये बहुत सेंसिटिव है. एंड द बिहेवियर कैन फ्लिप फ्रॉम वन मोड टू अदर, एंड इनका बिहेवियर बहुत जल्दी फ्लिप, मतलब बहुत जल्दी बोलता है, फ्रॉम वन मोड टू अनदर सडनली एंड ड्रामेटिकली. लेट्स फाइंड आउट इसका आंसर. चेंज की बात हुई है कि थोड़े से चेंज में भी ड्रामेटिकल इश्यूज हो सकते हैं, लाइक लेट्स फाइंड आउट.
न्यू टेक्नोलॉजीज आर बीइंग डेवलप्ड टू प्रिडिक्ट चेंज विद प्रिसिशन. नो, न्यू टेक्नोलॉजी की कोई बात नहीं हुई है कि चेंज की प्रिडिक्शन कि न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है टू प्रिडिक्ट चेंज, ऐसी कोई बात नहीं हुई है. नेचुरल सिस्टम आर ऑफन मोर सोफिस्टिकेटेड दैन अदर सिस्टम. नेचुरल सिस्टम की कोई बात नहीं है, नेचुरल ऐसी कोई बात नहीं है कि नेचुरल सिस्टम आर मोर सोफिस्टिकेटेड, ये भी बात नहीं हुई है. कॉम्प्लेक्स बात हुई है, सोफिस्टिकेटेड तो नहीं बात हुई. माइनर अल्टरेशन मे कॉज नेचुरल सिस्टम टू चेंज ड्रामेटिकली. ओके, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है रेंडर ह्यूमन बींग्स मोर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचुरल सिस्टम. यस, द आंसर इज सी कि माइनर छोटी सी चेंज मे कॉज नेचुरल सिस्टम टू चेंज ड्रामेटिकली. थोड़ा सा चेंज भी इसको ड्रामेटिकली चेंज कर सकता है, वो हमारे आंसर में था. तो इसका आंसर है सी. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. सो पहले देखते हैं हमारा क्या है. द डिमांड फॉर इंजेन्यूटी हैज़ बीन ग्रोइंग ड्यूरिंग द पास्ट 100 ईयर्स. कि जो डिमांड है इंजेन्यूटी की वो पास्ट 100 ईयर्स से ग्रो कर रही है, बढ़ती जा रही है. लेट्स फाइंड आउट. द गुड न्यूज़ दो इज़ दैट लास्ट सेंचुरी लाइक 100 ईयर्स स्टनिंग चेंजेस इन आवर सोसाइटी, सोसाइटी में चेंजेस एंड टेक्नोलॉजी हैव नॉट जस्ट इंक्रीज्ड आवर डिमांड फॉर इंजीनियरिटी, मतलब इंजीनियरिटी की डिमांड इंक्रीज हुई है. दे हैव ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ ह्यूज इंक्रीज इन सप्लाई. इट मीन्स इंजीनियरिटी की डिमांड इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है. ऑब्वियस, इट्स अ वेरी ऑब्वियस दैट इफ डिमांड इज इंक्रीज एंड देर इज अ इंक्रीज ऑफ सप्लाई इन एवरी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन. सो ये हमारा आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है. देन फर्स्ट आंसर इज ट्रू. चलो सेकेंड वन. द इंजेन्यूटी वी मे वी हैव मे बी इन अप्रोप्रिएट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. वो कह रहे हैं कि जो इंजेन्यूटी जो हमारे पास है मे बी वो इन अप्रोप्रिएट हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में. लेट्स फाइंड आउट. द ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैव कम्बाइंड विद अस्टॉनिशिंग कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज टू एक्सपैंड इंट्रैक्शन अमंग पीपल एंड प्रोड्यूस लार्जर मोर इंटीग्रेटेड मोर एफिशिएंट मार्केट्स. These changes have in turn vastly accelerated from generation to generation. इसमें आंसर नहीं है. नेक्स्ट पैराग्राफ. बट एंड दिस इज क्रिटिकल. बट वी शुड नॉट जम्प टू द कंक्लूजन दैट द सप्लाई ऑफ द इंजीनियरिटी ऑलवेज इंक्रीज. ओके, हमारा हमेशा आंसर यहीं से मिलेगा. विद अवर इंजीनियरिटी रिक्वायरमेंट. ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो इंजीनियरिटी हमारे पास है डजेंट मीन कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वो इनअप्रोप्रिएट है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारे पास अवेलेबल है. और ये भी यही बोल रहे हैं कि हमें कंक्लूजन पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि इंजीनियरिटी इज़ द ओनली थिंग दैट आर सॉल्विंग फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ थिंग्स. दैट द सप्लाई ऑफ इंजीनियरिटी ऑलवेज इंक्रीज. जो हमारे पास इंजीनियरिटी रिक्वायर्ड है दैट इज़ नॉट अ वेरी While it is true that necessity is often the mother of invention, we cannot always rely on the right kind of ingenuity appearing. हम बिल्कुल भी rely नहीं कर सकते जो भी ingenuity हमारे पास available है when and where we need it. जो हम जो भी हम ingenuity हमारे पास available है हम उस पर totally depend नहीं कर सकते. वो totally required नहीं है हमारी चीज़ों के लिए. सो आई थिंक इट्स द आंसर इज़ ट्रू बिकॉज वो भी यही कह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए inappropriate है. और यहाँ भी इन्होंने बोला है दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन राइट काइंड ऑफ इनिजीनिटी. सो हमारा 35th का आंसर है ट्रू. ओके, नाउ 36th इज देर आर वेरी फ्यू हु कैन अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड. वो बोल रहे हैं कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम. ओके, कॉम्प्लेक्स हमारा कीवर्ड आएगा इसमें. लेट्स फाइंड आउट. इसी के नीचे
In many cases, the complexity and speed of operation of today's vital economic, social, and ecological system exceed the human brain grasp. Very few of us have more than a rudimentary understanding of how these systems work. Okay, same ho gaya. Very few of us have knowledge about the complex system. So ye answer bilkul sahi ho gaya yahan se. हमारे क्वेश्चन में भी यही बोला गया कि कुछ लोग हैं जो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, और पीछे भी यही बोला गया कि वेरी फ्यू ऑफ अस आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स सिस्टम. सो हमारा 36 आंसर भी ट्रू है. ओके, नाउ 37th इज मोर इंफॉर्मेशन विल हेल्प अस टू मेक बेटर डिसीजन. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो वो बेटर है डिसीजन के लिए, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ईजी है अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी. लेट्स फाइंड. इन दिस बुक आई एक्सप्लोर अ वाइड रेंज ऑफ अदर फैक्टर दैट विल लिमिट अवर एबिलिटी टू सप्लाई द इंजीनियरिटी रिक्वायर्ड इन द कमिंग सेंचुरी. For example, many people believe that new communication technologies strengthen democracy and it will make it easier to find solution to our society. बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं लाइक न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर एबल टू स्ट्रेंथ फॉर डेमोक्रेसी एंड इट विल मेक ईजियर टू फाइंड सोल्यूशन टू अवर सोसाइटी. ये हमारी सोसाइटी में सोल्यूशन फाइंड करने में बड़ा हेल्पफुल है. कलेक्टिव प्रॉब्लम्स बट द स्टोरी इज लेस क्लियर दैन इट, बट द स्टोरी इज नॉट सो क्लियर जो कि दिखाया जा रहा है, बट स्टोरी क्लियर नहीं है. द क्रश ऑफ इंफॉर्मेशन, क्रश ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन आवर एवरी डे लाइफ इज शॉर्टनिंग अवर अटेंशन स्पैन. ओके, द क्रश ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर हमें डेली लाइफ में होगी तो ये शॉर्टनिंग अवर अटेंशन स्पैन मीन्स हमारे सोचने समझ के हमारी अटेंशन पावर को कम कर रही है. Limiting the time we have to reflect on critical matters of public policy and making policy argument more superficial. तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट हमारी स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि पीछे क्वेश्चन में दिया गया कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द डिसीजन मेकिंग, बट यहाँ लिखा है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अ वेरी हेल्पफुल, इट्स शॉर्टनिंग अवर अटेंशन स्पैन. हमारे डिसीजन हमारी अटेंशन पावर को वो कम कर रही है. तो ये आंसर बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट हो गया. सो हमारा 37th का आंसर फॉल्स. ओके, नाउ 38th है द नेक्स्ट जनरेशन विल ब्लेम द करंट गवर्नमेंट फॉर देयर कंडक्ट. लाइक जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ब्लेम कर रही है करंट गवर्नमेंट को फॉर देयर कंडक्ट, फॉर देयर बिहेवियर, फॉर देयर एक्सपीरियंस, फॉर एनीथिंग. नेक्स्ट जनरेशन ब्लेम कर रही है वो टू करंट गवर्नमेंट. लेट्स फाइंड आउट अगर करंट गवर्नमेंट और नेक्स्ट जनरेशन का कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है. तो लास्ट पैराग्राफ अब रह गया एंड आई डोंट थिंक सो दैट जनरेशन की कोई बात है. इट्स अबाउट द साइंस सप्लाई ऑफ मार्केट साइंस एंड पीछे भी किसी पैराग्राफ में ऐसे जनरेशन की कोई बात नहीं हुई है. तो आई थिंक द आंसर इज नॉट गिवन. Critical time between recognition, progress, social science. Yes, of course. The answer is not given because कुछ भी ऐसी statement नहीं दी गई है next generation के according, government के according, behavior के according. तो हमारा 38th is not given. साइंस टेंड्स टू डेवलप फास्टर इन सर्टन एरियाज दैन अदर. लाइक जो साइंस है वो ज़्यादा फास्ट डेवलप कर रही है रादर देन अदर एरियाज. नो, सर्टन एरियाज जो साइंस है वो कुछ एरियाज में ज़्यादा डेवलप कर रही है रादर देन अदर्स. लेट्स फाइंड आउट. Modern markets and science are very important part of the story of how we supply ingenuity. Modern markets and science are very important for the ingenuity supply. Markets are critically important because they give entrepreneurs an incentive to produce knowledge. Markets is very important because the entrepreneurs provide kar rahe hain an incentive to produce knowledge.
एज फॉर साइंस ऑल्दो इट सीम्स टू फेस नो थ्रेटिकल लिमिट्स, कोई थ्रेटिकल लिमिट्स नहीं, एट लीस्ट इन द फॉर्सिबल फ्यूचर प्रैक्टिकल कॉन्स्टेंट ऑफन स्लो इन प्रोग्रेस, द कॉस्ट ऑफ साइंटिफिक रीजन टेंड टू इंक्रीज साइंटिफिक बिकॉज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च हो रही है टेंड टू इंक्रीज साइंटिफिक रिसर्च इंक्रीज हो रही है एज इट डेवलप्स डीपर इन टू नेचर and science rate of advance depend upon the characteristics of natural phenomena in investigates. Sab kuch development ho rahi hai zyada fast simply because some phenomena are intrinsically harder to understand than others. Kuch phenomena jo hai wo thode se mushkil hai understand karne than others. So the production of useful knowledge, jo useful knowledge hai in these area can be very slow. इन एरियाज़ में स्लो है बट कई एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं. अगर कुछ एरियाज़ में स्लो है तो इट मीन्स कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा वो फास्ट हो रही हैं. हमारा आंसर भी यही था, साइंस टेंड टू डेवलप फास्टर इन सर्टन एरियाज़. वहाँ पीछे भी यही लिखा है कि कुछ एरियाज़ में स्लो है, इट मीन्स कुछ एरियाज़ में वो फास्ट हैं. देन आंसर इज ट्रू, सेम मैच हो गया. And next 40th is social science develop especially slowly because it is not as important as natural science. Social science develop slowly develop ho rahi hai kyunki reason because it's not important as natural science kyunki unhone bola hai ki wo natural science se kam important mani ja rahi hai isliye uski jo development hai wo thodi slow hai. That's fine, aisa kuch likha hai inhone. Consequently, there is often a critical time lag between the recognition between a problem and the delivery of sufficient ingenuity in the form of technology to solve problem. Progress in social science यहाँ से आएगा is especially slow. पहला हमारा line बिल्कुल match हो गई for reason because अब reason बता रहे हैं वो. We don't yet understand but we desperately need better social scientific knowledge. टू बिल्ड द सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूशन टूडे वर्ल्ड डिमांड. ओके, पीछे हमें रीज़न बताया गया है कि वो नेचुरल साइंस से कम इम्पॉर्टेंट है, दैट्स वाई उसका प्रोग्रेस जो है वो स्लो है. बट यहाँ उन्होंने रीज़न बताया गया है कि उन्हें रीज़न इतना नहीं पता बट दे आर डेस्परेटली वॉन्ट कि सोशल साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो आई थिंक अवर आंसर इज़ कॉन्ट्राडिक्ट. उन्होंने रीज़न जो बताया वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है. उन्होंने नेचुरल साइंस का रीज़न बताया और यहाँ रीज़न है कि वहाँ उन्हें खुद भी इतना नहीं पता, दे स्टिल डोंट गेट अंडरस्टैंड. सो हमारा आंसर बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो आंसर इज फॉल्स. सो ये थी हमारी आज की रीडिंग एंड आई थिंक आप सबको समझ आ गया हो इजीली. आज की रीडिंग भी काफ़ी इजी थी, ट्रू फॉल्स इजी हैं, एमसीक्यूज काफ़ी इजी रहे हैं एंड ये कंप्लीट द मैचिंग इज़ वेरी इजी. सो वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट रीडिंग एंड होप एंड आई होप आपको ये सब समझ आ गया हो. ओके.